आप देख रहे हैं प्राइम बी की न्यूज चैनल सच का साथ। इस वक्त की खबर शाहजहांपुर से आ रही है। सौत नदी का पुल का निर्माण करने के लिए जहां पर पुल का निर्माण कार्य को देखते हुए जहां पर नारियल तोड़कर उसका शुभारंभ किया गया। तहसील क्षेत्र कलान के लक्ष्मणपुर में 803 लाख रुपए से बनने वाले सौत नदी के पुल का नारियल तोड़कर कैबिनेट मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने शुभारम्भ किया। पुल की लंबाई 89.93 मीटर है। ग्राम पंचायत अध्यक्ष लक्ष्मणपुर राहुल सिंह ने बताया कि इस पुल के बनने से जिले के लगभग 55 गांवों को फायदा होगा। इन ग्रामवासियों को बरसात में कई किलोमीटर दूर घूमकर आना पड़ता था। बीमार होने पर व्यक्ति कई बार अस्पताल पहुंचने से पहले ही दम तोड़ देता है। सभी ग्रामवासियों ने कैबिनेट मंत्री सुरेश कुमार खन्ना का आभार व्यक्त किया है। बच्चे सरकारी निर्देश का पालन करें, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें, मास्क का प्रयोग करें और किसी भी हालत में कोई ऐसा काम न करे जिससे कोरोना को बढ़ावा मिले। कोरोना के फैलाव को रोकना है। माननीय मोदी जी ने, माननीय योगी जी ने लगातार परिश्रम करके इसके फैलाव को उत्तर प्रदेश में और देश में रोका है और यही शाहजहांपुर से हम के लोगों से कहना चाहते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें। जहां तक इस पुल का सवाल है, बरसों से इस पुल की मांग चली आ रही थी बसपा की सरकार में भी, सपा की सरकार में भी, लेकिन न बसपा की सरकार ने किया न समाजवादी पार्टी। हमारे कटरी के 55 गांव जो अलग थलग थे, कभी बरसात में हम लोगों का आना जाना, सब गांव की जनता को इतनी विकट परेशान, मतलब इतनी ज्यादा दिक्कत थी। बरसात में नदी में पानी भरा होता था, कोई बीमारी होती थी, बहुत लंबा घूम के जाना पड़ता था। माननीय हमारे मंत्री जी सुरेश कुमार खन्ना जी से के सामने हमने अपनी बात रखी और उन्होंने हमारा पुल कराया। लेटेस्ट न्यूज देखने के लिए प्राइम ब्रेकिंग न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही डेली अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन को